हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ एन एक्सलेंट कोचिंग क्लासेस। और स्टूडेंट्स, आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए चैप्टर वाइज असाइनमेंट लेके आई हूँ साइंस के टर्म वन के लिए, जिसका पेपर आज ट्यूसडे, जिसका एग्ज़ाम आपका फ्राइडे को है और 3rd of December को। उसके लिए top 10 MCQ, अगर आप इसे भी प्रैक्टिस कर लोगे तो चांसेस हैं इन 10 में से 2 या 3 तो MCQ आपके पड़े हुए आ जाएंगे। और जितने प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना बेटर ही है, तो इनको भी जरूर 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 कर लेना। आई विल गिव विद द सोल्यूशन ऑल्सो। पहले आप क्वेश्चन लिखना और एक ट्राई अपने खुद करना, ठीक है? फिर पॉज कर लेना वीडियो को, फिर उसके बाद उसका करेक्ट आंसर देखना। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इनमें से कौन सा एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है? MgCO3 gives MgO plus CO2, या सेकेंड 2Na plus 2H2O gives 2NaOH plus H2O, थर्ड वन इज 2H2 plus O2 gives 2H2O, ये D1 2PbNO32 gives 2PbO plus 4NO2 plus O2। तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन द क्वेश्चंस और डायरेक्टली राइट डाउन द आंसर्स इन योर नोटबुक। होप आपने अपना सही आंसर लिख लिया होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है B1, दैट इज 2Na plus 2H2O gives 2NaOH plus H2। सेकेंड इज द करेक्ट आंसर, ठीक है? चलो सेकेंड देखते हैं। अ सब्सटेंस एक्स इज यूज्ड इन वाइट वॉशिंग एंड इज ऑब्टेन्ड बाई हीटिंग लाइम स्टोन्स इन एब्सेंस ऑफ एयर, आइडेंटिफाई एक्स। ऐसे क्वेश्चन आइडेंटिफाई द वेरिएबल वाले बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसके ऑप्शन है CaOH2, CaO, CaCO3 या CaOCl2। जो आपको ऑप्शन सही लगता है पहले उसे अपने कॉपी में लिखो, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। एंड होप आपने लिख लिया होगा स्टूडेंट्स। इसका करेक्ट आंसर है DCaOCl2। ओके, गुड। देन थर्ड वन इज अ सब्सटेंस एडेड टू फूड कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल्स इज नोन एज, अ सब्सटेंस एडेड टू फूड ऑप्टेक कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल्स इज नोन एज एंटीऑक्सीडेंट, ऑक्सीडेंट, रेंसिड या कूलेंट। राइट डाउन द करेक्ट आंसर, हरी अप फास्ट स्टूडेंट्स। और मैं पांचों चैप्टर्स की सीरीज डालूंगी, आप इनके MCQ प्रैक्टिस कर लेना। ऑफ कोर्स ये top 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं और आपके पढ़े हुए जरूर आएंगे। इसका करेक्ट आंसर है एंटीऑक्सीडेंट, ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है? फोर्थ देखो, फोर्थ है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन प्रोड्यूसेस इनसॉल्यूबल, ए स्पाइसेस, बी सॉल्ट्स, सी नन ऑफ द अबव और डी बोथ ए एंड बी। पॉज द वीडियो टू राइट डाउन द करेक्ट आंसर। एंड द करेक्ट आंसर ऑफ फोर्थ इज सॉल्ट। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का दूसरा नाम क्या होता है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन या ऑल ऑफ द अबव? आई होप आपने आंसर लिख लिया होगा। इसका करेक्ट आंसर है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का दूसरा नाम डिकम्पोजिशन रिएक्शन ही होता है। चलो सिक्स क्वेश्चन देखते हैं, दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर जरूरी नहीं है यही, मतलब फिगर जैसे मैथ्स की फिगर होती है ना, यही आपके इक्वेशंस है, इक्वेशन बदल जाएगी बट क्वेश्चन के फॉर्मेट यही इंपॉर्टेंट है जो रहेगी। फर्स्ट इज H plus Cl gives HCl and 2H plus O2 gives 2H2O, वेरी इजी। आपको इसके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स बताने हैं। वेदर A is R is equal to H, Cl and HCl and product is 2H2 plus O2 and H2O. B1 is reactant at HCl and 2H2O and product is HCl, 2H, 2H and O2. C1 is H, Cl, 2H and O2 and product is HCl and 2H2 and O. And D1 is reactant is 2H, O2 and H2O and product is HCl and HCl. Pause the video to note down the correct answer. देखने में बड़ा लग रहा है but difficult बिल्कुल नहीं है। लिख लिया? तो इसका सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, व्हाट इज द रेशियो ऑफ एलिमेंट ऑफ वाटर? जो वाटर के एलिमेंट है, मतलब वाटर जिन चीज़ों से बनाते हैं उनका रेशियो क्या है? A 1:2, B 3:1, C 2:1 या D 1:8? लिख लिया? तो ऑफकोर्स इसका आंसर है 2:1, क्योंकि H2O वाटर होता है, H के 2 एलिमेंट्स एंड O का 1 एलिमेंट H2O, ठीक है?
8th फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या होता है? वेरी इजी, MgO2, MgO, Mg, O या MgOH2। देन ऑफ कोर्स मैग्नीशियम ऑक्साइड का मैग्नीशियम का Mg और ऑक्साइड का O, MgOC इज द करेक्ट आंसर। 9th फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन इज़ द एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शन, इनमें से कौन सा केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है? ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड, बी ब्रेक डाउन ऑफ फूड, सी फॉर्मेशन ऑफ कर्ड या डी ऑल ऑफ द अबव। जो सही लगे लिखो, एंड इसका करेक्ट आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव। 10th विच इज़ यूज इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी, ब्लैक और वाइट फोटोग्राफी में कौन सा हमारा रिएक्शन होता है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन, बी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। देन ऑफ कोर्स आंसर लिख लो, एंड इसका करेक्ट आंसर है ए, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो स्टूडेंट्स, ये टॉप 10 आपके MCQ थे, चैप्टर वाइज है, 5 चैप्टर आ रहे हैं, 3 केमिस्ट्री, 1 फिजिक्स एंड 1 बायो। तो अभी मैंने केमिस्ट्री का स्टार्ट किया, इवनिंग तक आपकी सेकंड वीडियो भी अपलोड हो जाएगी चैप्टर वाइज टॉप 10 MCQ की। आप इन्हें प्रैक्टिस करिए और कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ लेना। बच्चों करते रहो, परसों तक मैं सारा रिविजन करवा दूँगी, जो डाउट हो तो मेरे से पूछ लेना। चलो, आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो वेरी वेरी सून। टिल देन गुड बाय, स्टे ट्यून्ड एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन इन ऑर्डर टू नेवर मिस एनी न्यू अपडेट। गुड बाय, थैंक यू सो मच।